अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हूरिया और आज हम बनाने लगे हैं ढाका फिश। तो ढाका फिश बनाने के लिए मैंने लिए हैं जी 2 किलो फिश, लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच और साबुत धनिया और थोड़ी सी आधा चम्मच अजवाइन और सिरका लिया मैंने आधा कप। और मैंने लिए हैं जी लीमू का रस, 3 से 4 लीमू लिए हैं। और मैंने लिए हैं घर के सारे मसाले, नमक मिर्च गरम मसाले इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं और एक मिक्सचर सा बनाया हुआ है इसका, तो मिक्स मसालों का। और मैंने लिए हैं जी 1 कप बेसन और 1 कप मैंने लिया है जी मैदा। इस रेसिपी को आप आधे घंटे में रेडी कर सकते हैं। और इसको फिश को मैंने हल्दी और नमक के साथ धो लिया अच्छे से। चलें अब इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी मैं लूँगी नींबू का रस, इसके ऊपर डाल दूँगी। इसके बाद मैंने जी सिरका लिया है वो डाल दूँगी। के बाद हम इसमें साबुत धनिया डाल देंगे सारा जो मैंने 3-4 चम्मच लिए हैं और अजवाइन डाल देंगे। और इसमें 2 से 3 चम्मच जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट किया है वो डाल देंगे। इसके बाद जी हम ये सारे घर के जो मसाले हैं वो डाल देंगे। बेसन डाल देंगे इसमें, आधा कप लिया मैंने। और इसमें हम मैदा डाल देंगे। ये बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत ही यमी बनती है ये ढाका फिश, जो सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में रेडी हो जाती है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि अगर हम पानी डालेंगे तो इस फिश ने भी अपना पानी छोड़ देना है। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिश का मसाला अच्छे से लग चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए साइड पे कर देंगे और तब तक हम पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे क्योंकि एक साइड हमारी पक चुकी है। एक तरफ से फिश हमारी कुक हो चुकी है। इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि जो फिश है वो अंदर से भी अच्छे से गल जाए। अब हम इसकी साइड बदलते जाएंगे। वो खूबसूरत आना स्टार्ट हो गया। तो फिश बिल्कुल रेडी हो गई। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो मेरी फिश हो गई है रेडी। आप इसको पुदीने की चटनी के साथ और केचप के साथ सर्व कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी बनी है ढाका फिश। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।